नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, इस वीडियो में मैं पीएनबी रिवॉर्ड से जुड़ा कुछ अपडेट आपको देने वाला हूँ। अगर आपके पास में पीएनबी का अकाउंट है तो आपको पता ही होगा कि पीएनबी की तरफ से पीएनबी रिवॉर्ड नाम से एक लॉयल्टी प्रोग्राम है, जहाँ पे आपको जो है कि ऑनलाइन शॉपिंग करने पे, पेमेंट भेजने पे या किसी को गिफ्ट भेजने पे आपको रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है। और इस रिवॉर्ड पॉइंट से आप जो है कि गिफ्ट कार्ड खरीद सकते हैं अमेज़ॉन का या फिर किसी का भी, और आप रिचार्ज कर सकते हैं। तो अपडेट ये है कि पीएनबी रिवॉर्ड प्रोग्राम जो है कि वो एक्सपायर होने जा रहा है 30 सितंबर को। 30 सितंबर के बाद में आपने जो पॉइंट अर्न किए हैं उनका आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो आपके लिए बेहतर यही है कि 30 सितंबर तक आप अपने अकाउंट में लॉगिन करके देख लीजिए पीएनबी रिवॉर्ड अकाउंट में कि आपके पास में कितने पॉइंट हैं, और आप अगर उनका चाहे तो आप रिचार्ज कर सकते हैं या फिर गिफ्ट कार्ड में उसको बदल सकते हैं। आप पीएनबी रिवॉर्ड वेबसाइट खोलेंगे तो यहाँ पे देखिए दे रहा है कि बैंक हैज़ बिन गिविंग रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ ऑन यूसेज ऑफ डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग एंड यूपीआई। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि दिस प्रोग्राम शाल बी सीज्ड विथ इफेक्ट फ्रॉम, देखिए ये दे रहा है कि 1 अक्टूबर से जो है ये प्रोग्राम बंद हो जाएगा और उसके बाद में नया रिवॉर्ड प्रोग्राम चालू किया जाएगा। और यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, हाउ एवर द रिवॉर्ड पॉइंट ऑलरेडी अकर्ड बाय द कस्टमर शॉल रिमेन वैलिड अप टू। तो 30 सितंबर तक आपका जो है कि आपने जो पॉइंट अर्न किया है वो वैलिड है, और 30 सितंबर तक आप उन पॉइंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद ये पॉइंट ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाएंगे। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि पीएनबी रिवॉर्ड प्रोग्राम जो है 30 सितंबर को ख़त्म हो रहा है, क्योंकि उसके बाद में ये नया प्रोग्राम लेकर के आएंगे। तो अगर आपको पता नहीं था इस अपडेट के बारे में, तो आप अभी जो है, अगर आपके पास में पीएनबी का अकाउंट है तो आप पीएनबी रिवॉर्ड्स में लॉगिन करके चेक कर सकते हैं कि आपने कितने पॉइंट अर्न किया है, और उसको रिचार्ज कर सकते हैं या गिफ्ट में बदल के आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। धन्यवाद।